एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेगुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 16 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग बिना किसी एक्सप्रेशन के सूटकेस के तरफ नज़र डालता है और दीवार पर लगी घड़ी के तरफ देखकर अंत में खड़ा हो जाता है। तयंग चलकर जोंगकुक के पास आकर डीप वॉइस में कहता है, दरअसल के पॉप ग्रुप ने हमें डिनर पर इन्वाइट किया है। डिनर करते हुए कॉरपोरेशन के बारे में कुछ डिस्कशन भी करना चाहते हैं। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, ओ तो ए वर्क के वजह से है। अगर उसने अभी ए नहीं बताता कि हम फ्रांस क्यों जा रहे हैं, मेरा तो हार्ट अटैक ही होने वाला था। ज़्यादा सोचने के लिए लेट हो गया था। इसके बाद जोंगकुक को आयान का ख्याल आता है। जोंगकुक अपने बच्चे के बारे में सोचता है। फ्रांस के ट्रिप में कम से कम 3 या फिर 4 दिन, फिर उससे भी ज़्यादा समय लगेगा। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, अगर मैं इतने दिनों के लिए उसके साथ बाहर गया तो बच्चे के बारे में क्या, आयान का क्या होगा। जोंगकुक इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वो इमीडिएटली अपने सर हिलाता है और तयंग के तरफ देखने लगता है। इससे पहले कि जोंगकुक साइन लैंग्वेज में तयंग कुछ भी कह पाता, बैल्कनी के दूसरे साइड का दरवाज़ा खुल जाता है। तभी तयंग के मदर ओल्ड मिसेस किम की आवाज़ आती है। मिसेस किम कहती हैं, आयान कहाँ है, ग्रैंडमा आ रही है। नैनी तुरंत सिर झुकाकर फॉर्मली ओल्ड मिसेस किम का वेलकम करते हुए स्माइल के साथ कहती हैं, मैडम आप आ गए, लिटिल मास्टर ऊपर सो रहे हैं। ओल्ड मिसेस किम अपने शूज़ बदलते हुए जोंगकुक के तरफ देखकर सिर्फ एक ही शब्द कहती हैं, जिसे सुनकर जोंगकुक के आयान के लिए चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तुम यहाँ आराम से जा सकते हो और मैं यहाँ बच्चे का देखभाल करूँगा, तुम्हें अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए। जोंगकुक अपने मदर इन लॉ के वर्ड सुनकर स्तब्ध हो गया था। उसके कुछ भी कहने का इंतज़ार किए बिना तयंग काउच पर से अपना सूट कोट हाथ में उठा लिया और एक हाथ से टाइटली जोंगकुक के हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर आ जाता है। जोंगकुक लगातार तयंग के हाथ से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वो जाने से पहले आयान से मिलना चाहता था और ऊपर अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलना चाहता था, लेकिन नतीजा क्या हुआ, उसे कोई मौका नहीं मिला। जोंगकुक गुस्से में झटकते हुए तयंग के लार्ज हैंड से अपना हाथ छुड़ा लिया और इशारों में तयंग के साथ बाहर जाने के लिए मना कर देता है। जैसे ही जोंगकुक हाथ छुरा कर अपने मदर इन लॉ के पास से गुजर रहा था, तभी ओल्ड मिसेस किम उसे रोकते हुए सीरियस टोन में और धीमी आवाज़ में कहती हैं, ए लड़के रुको, तुम जानते भी हो तुम किसे मना कर रहे हो, तुम उसके लाइफ से जाओगे तो लॉस तुम्हारा ही होगा। अभी भी मेरे बेटे को पाने के लिए बहुत ही हाई क्लास वुमेन तक लाइन लगाकर बैठी हुई है, इसलिए तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ, इस स्टुपिडिटी मत करो, बाद में रोकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, किम फैमिली के खून तुम्हारे अंदर है, इसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखो तुम तयंग के साथ एब्रोड जा रहे हो, इसलिए उसके प्रति ईमानदार रहो। तयंग के लिए आप और परेशानी मत बढ़ाओ। कुछ देर पॉज रहने के बाद मिसेस किम फिर से अनहैप्पी फेस के साथ कहती हैं, अब मैं एक शब्द नहीं बोलूँगी। इस तरह के ग्रैंड डिनर पार्टी में अपने साथ किसी म्यूट को ले जाना कितनी शर्म की बात है बेटा। तुम कभी तो अपने माता पिता के बारे में सोच लिया करो। इसे साथ ले जाने से तो बेहतर था कि तुम अपने साथ वायन को लेकर जाते। हालांकि मिसेस किम तयंग के साथ बहुत ही धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी जोंगकुक अपने मदर इन लॉ की कही हुई एक एक वर्ड को क्लियरली सुन पा रहा था। उनके हर शब्द उसके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहा था। तयंग का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था और उसने अपने मदर को कुछ भी नहीं कहा। तयंग उंगलियों से हाउसकीपर को इशारा कर लगेज कार के अंदर रखने के लिए कहकर तेजी से विला से बाहर की तरफ जाने लगता है। मिसेस किम जोंगकुक के तरफ घूरते हुए कहती हैं, उसे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ, फ्लाइट तुम्हारे बारे में सोचकर वेट नहीं करेगा, जाओ जल्दी से तैयार होकर उसके पास जाओ।
टैंक कुछ ही कदमों से विला से बाहर चला गया था। बाहर पहले से ही कार तैयार थी। हाउसकीपर तैयांग और जोंगकुक के सामान ऑलरेडी कार में रख दिया था। टैंक कार में बैठकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जोंगकुक के लिए इंतजार कर रहा था। जोंगकुक पहले आयान के कमरे में आकर उससे मिलता है। आयान अभी भी सो रहा था। जोंगकुक आयान के चेहरे के पास झुककर उसके छोटे और एडरेबल फेस पर सॉफ्टली हर जगह किस करता है। उसके बाद ऊपर अपने कमरे में आकर जल्दी से तैयार होकर बिला से निकल कर कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। गार्ड जोंगकुक के लिए कार की डोर ओपन कर देता है। तैयंग शिफ्ट होकर जोंगकुक को कार में कंफर्टेबली बैठने के लिए जगह कर देता है। जोंगकुक कार में बैठकर अपने फिंगर से फाइट करने में बिजी था। तैयंग उसे परेशान देखकर कोल्ड टोन में पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जोंगकुक तैयंग के तरफ देखकर साइन लैंग्वेज में कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस आयान के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हूँ। तैयंग कहता है, आयान अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे अपने साथ एब्रोड नहीं लेकर जा सकते। तुम चिंता मत करो, मॉम उसका केयर करने के लिए यहाँ है और नैनीज भी तो है। जोंगकुक शांत होकर बैठ जाता है। विला से एयरपोर्ट तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था। जोंगकुक विंडो से बाहर देख रहा था। अचानक जोंगकुक को अपने थाई पर वार्म टच का एहसास होता है, जिससे जोंगकुक के बॉडी तुरंत शेक करने लगता है। जोंगकुक विंडो से नज़र हटाकर अपने थाइस पर देखता है। तैयंग अपने एक हाथ उसके थाई पर रखकर वह कंटिन्यूसली रब कर रहा था और उसने अपने दूसरे हाथ में फोन पकड़ कर रखा था। तैयंग के इस हरकत कुकी को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था। एक अनजानी सी एहसास उसे अंदर से पागल कर रहा था। जोंगकुक तैयंग के हाथ के ऊपर फिंगर से टैप करने लगता है। तैयंग बिना उसके तरफ देखे धीमी आवाज में कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? टेल मी। जोंगकुक फिर से तैयंग के हाथ पर टैप करता है। इस बार तैयंग उसके तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखकर कहता है, व्हाट? जोंगकुक तैयंग के आंखों में देखकर शर्म से उसे कुछ भी नहीं कह पाता। तैयंग को सब कुछ समझ आ रहा था, फिर भी वो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तैयंग उसका थाई पर से हाथ नहीं हटाया। जोंगकुक के लिए सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया था। उसके लिए खुद को और अपने हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। कुछ घंटों के बाद कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकता है। ड्राइवर कार रोककर कहता है, मास्टर हम पहुंच गए। जैसे जोंगकुक ने सुना उसने अपना आंखें बंद कर लिया और राहत का सांस लेते हुए मन ही मन कहता है, थैंक गॉड हम एयरपोर्ट पहुँच गए। तैयंग बैग से वाटर बॉटल निकालकर जोंगकुक के तरफ आगे करते हुए कहता है, एलो पानी पियो और खुद को रिलैक्स कर लो, अभी तो बस शुरुआत है। जोंगकुक तैयंग के हाथ से पानी का बॉटल लेकर पानी पीते हुए सोचता है, उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। कार से निकलकर तैयंग अपने हस्बैंड को लेकर अपने प्राइवेट जेट के अंदर आकर बैठ जाता है। जेट के अंदर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था और स्टाफ था। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में पूछता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम तुम्हारे प्राइवेट जेट से जा रहे हैं, यह सिर्फ हम दोनों हैं। तैयंग फोन स्क्रीन को घूरते हुए जवाब देता है, हर चीज़ मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? जोंगकुक क्लैप करता है ताकि तेई उसके तरफ देखे। तैयंग फोन बेड के ऊपर रख कर कहता है, व्हाट? जोंगकुक फिर से साइन लैंग्वेज में कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तैयंग कहता है, तुम्हें। तैयंग के वर्ड सुनकर जोंगकुक ब्लश करने लगता है। तैयंग फिर से कहता है, तुम इसे हमारा हनीमून समझ लो। ये सुनते ही जोंगकुक के हार्ट बीट तेज हो जाता है। जोंगकुक वाइडन आइस और ओपन माउथ के साथ तैयंग को बिना पल के झपकाए देख रहा था। क्यों तुम्हें मेरे साथ अकेला रहने में डर लग रहा है? डरो मत, मैं तुम्हें इस बार हर्ट नहीं करूँगा और इस बार मैं तुम्हें आसानी से अपने आप से दूर भी नहीं जाने दूँगा। तुम्हें वो रात याद है ना, मेरे हाथ में चोट लगने के कारण तुम बच गई थी और अंधेरा का फ़ायदा उठाकर तुमने
ने मुझे किक भी किया था, याद है ना? लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मैं कमरे की लाइट को ऑन रखूँगा ताकि मैं उस दिन अंधेरे में जो चीज़ मिस कर दिया इसे देख सकूँ। और यहाँ ना ही आयान है और ना ही मॉम। तयंग और कुछ कहने वाला था तभी डोर पर नॉक होता है। तयंग कहता है, कौन है बाहर? दरवाजे के बाहर से स्टाफ लेडी कहती है, मिस्टर किम, मैं आप दोनों के लिए डिनर लेकर आई हूँ। तयंग जल्दी से डोर ओपन करके कहता है, फूड ट्रे को उस टेबल में रख दो। लेडी सिर हिलाकर फूड ट्रे के साथ कमरे के अंदर आ जाती है। लेडी कहती है, सर क्या आपको कुछ और चाहिए? तयंग कहता है, नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में कॉल करके बता दूंगा, अब तुम जा सकती हो। स्टाफ लेडी तयंग के बात पर नोट करके कहती है, यस सर, इन्जॉय योर मील सर। उसका जाते ही जंगू कमरे से बाहर जाने लगता है, लेकिन तयंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तयंग कहता है, भूल गई तुम प्रेग्नेंट हो, चलो आ जाओ साथ में डिनर करते हैं, उसके बाद और भी बहुत कुछ करना है हम दोनों को मिलकर, राइट? तयंग के नॉटी बातों ने जंगकुक का दिमाग खराब कर दिया था। उसे ब्रीद लेने में भी तकलीफ होने लगता है, बॉडी गर्म होता महसूस कर पा रहा था जंगकुक। जंगकुक तयंग के चेस्ट पर जोर से धक्का देकर चेंजिंग क्लोथ के साथ बाथरूम के अंदर आ जाता है। तयंग टैबलेट में कुछ इंपॉर्टेंट सर्च कर रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तयंग लेस इंटरेस्ट के साथ कॉल पिक करके कोल्ड वॉइस में कहता है, व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग फाइन? दूसरे तरफ से कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ रोने की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। तयंग अब इरिटेट होकर थोड़ा लाउड टोन में पूछता है, टेल मी गुक, रोने वाली आवाज़ में कहते हैं, तयंग क्या तुमने आज की न्यूज़ देखा है? तयंग कहता है, नहीं क्या है न्यूज़ में? गुकी कहती है, तो देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगी। तयंग कॉल कट कर जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज़ देखता है, हमें अभी पता चला है कि मिस्टर किम और मिस गुक के बीच ओल्ड रिलेशनशिप फिर से पुनर्जीवित हो गया है और हाल ही में दोनों ने किसी 5-स्टार होटल में एक पैशनेट रात गुजारी है और हमें इसका अच्छा प्रूफ भी मिल चुका है। होटल की आलीशान सूट और इनर मोस्ट कमरे में मिस्टर किम तयंग के एक्स गर्लफ्रेंड सोए हुए थे और हमने जब उन्हें देखा तो उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। हालांकि कमरे में हमें मिस्टर किम कहीं नहीं मिला, लेकिन होटल में कमरा उनके नाम पर ही लिया गया था। इससे एक प्रूफ हो जाता है कि दोनों साथ में एक पैशनेट नाइट बिताया है। जल्दी उन्हें सामने आकर इस बारे में कुछ कहना होगा, वरना एक प्रूव हो जाएगा कि मिस्टर किम अपने एक्स के साथ मिलकर अपने म्यूट हस्बैंड को चीट कर रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वो बोल नहीं सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं, मिस्टर किम अभी भी शादीशुदा है। उनके होटल वाली घटना के बारे में अगर उनके वाइफ मिसेस किम को पता चल जाता है तो उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, पब्लिक ये जानना चाहता है। तयंग तुरंत न्यूज़ बंद करके किसी को कॉल करता है। कॉल रिसीव कर दूसरे तरफ से कोई कहता है, हेलो मिस्टर किम, मैं आपके कॉल का एक्सपेक्ट कर रहा था। तयंग के आँखें इस वक्त डार्क हो गया था और उसका फेशियल एक्सप्रेशन भयानक बन गया था। तयंग मोस्ट कोल्ड टोन में कहता है, वो कौन है जिसने तुम्हें होटल के बारे में बताया? तयंग के वॉयस सुनकर रिपोर्टर कांपने लगता है। रिपोर्टर कहता है, मिस्टर पार्क। तयंग गुस्से में अपने हाथ कसकर मुट्ठी कर दांत पीसते हुए कहता है, मिस गुक और मैं, हम दोनों बस ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं और मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ और ये सब मेरे प्राइवेट लाइफ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबके साथ शेयर किया जाए। हम बस बिजनेस मीटिंग के लिए डिनर पर गए थे, वह मैं उसके साथ नहीं था, वो अकेला थी होटल में। अभी इस वक्त ये सारी न्यूज़ सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए, वरना इसके लिए तुम्हें बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। ये कहकर तयंग कॉल कट कर देता है। तयंग के कान में अभी भी वो सारी वर्ड गूंज रहा था, मिस्टर किम क्या आप शादी में धोखाधड़ी के रिमार्क्स को एक्सेप्ट करने से डरते हैं या कि आपके और मिस गुक के बीच कोई और गहरी रिश्ता है? तयंग गुस्से में बेड पर पंच करते हुए कहता है, जिमिन आई विल किल यू। तयंग के कहने पर तुरंत इस खबर को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया था।
गुकी ने जब ये सब कुछ देखा उसने तुरंत जिमिन को कॉल किया। जिमिन नींद में कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। गुक कहती है, मैं यहाँ मुश्किल में हूँ और तुम चैन से अपनी नींद पूरा करने में बिजी हो, उसने सारा गेम खराब कर दिया। जिमिन कहता है, क्या हुआ? गुकी कहती है, त्यांग के कहने पे न्यूज़ हटा दिया गया है, उसे पाने का एक आखिरी होप भी खत्म हो गया है। जिमिन मन ही मन कहता है, स्टूपिड वुमन, तुम्हें क्या लगा मेरे होते हुए तुम इसमें सक्सेस हो सकती हो? ये सब तुम्हें तैयांग से और दूर लेकर जाएगा। मैं अपने प्लान को किसी के लिए खराब नहीं करूँगा। उस म्यूट को मैंने किम फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं जिस जगह पर हूँ ये उसी के वजह से है। अगर त्यांग उसे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें अब अपने ही कही हुई वार्ड के लिए रिग्रेट करना होगा कि तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के बारे में क्यों बताया है। गुकी कहती है, जिमिन क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? जिमिन कहता है, डोंट क्राई, मैं कुछ सोचता हूँ, ओके? गुकी कहती है, ठीक है। दूसरे तरफ जोंगकुक जैसे ही बाहर आया उसने देखा तैयांग को, जो ऑलरेडी डिनर लेकर बेड पर बैठकर उसके लिए ही इंतज़ार कर रहा था। तैयांग कहता है, आ जाओ इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। जोंगकुक चुपचाप आकर डिनर करने के लिए बैठ जाता है। डिनर फिनिश करने के बाद तैयांग खुद डॉक्टर से बात करके जोंगकुक को खाने के लिए मेडिसिन देता है। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, क्या तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द होता है? तैयांग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, इतने से कट से मुझे क्या हो सकता है? ऐसे तुम ये नहीं जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया था? तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ? तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत कुछ टॉलरेट कर सकता हूँ। नो आई एम नॉट, मैंने जब तुम्हें उस मिन योंगी से बात करते हुए देखा मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था, मुझे जलन हो रहा था, मैं कमज़ोर पड़ गया था, दिल में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। यू नो आई वॉज क्राइंग फॉर एवरी डे बट वाई? बिकॉज ऑफ यू। जब भी मैं वर्क के कारण तुमसे दूर रहता हूँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तुम्हें हक करना और किस करना बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तुम्हारी बॉडी सेंट सब कुछ मिस करता हूँ। जोंगकुक तैयांग के मुंह से ये सारी बात सुनकर हैरान था और सरप्राइज्ड भी, उसने तो कभी सपने में भी ये सोचा नहीं था। तैयांग तुरंत जोंगकुक के हाथ पकड़कर उसे अपने लैप पर खींचते हुए कहता है, बेबी अभी मुझे लगता है हमें हमारी हनीमून पर फोकस करना चाहिए। जोंगकुक तुरंत अपने नोज पर हाथ रखकर इशारों में कहता है, नो लीव मी, तुमने ड्रिंक किया है। तैयांग डीप वॉइस में उसके कान के पास आकर कहता है, सो व्हाट? ये कहकर तैयांग उसके ईयर पर जोर से बाइट कर लेता है। जोंगकुक के मुंह से जोर से चीख निकलती है। जोंगकुक तैयांग के ओर गुस्से से घूरते हुए साइन लैंग्वेज में कहता है, यू परवर्ट, लीव मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तैयांग इस बात पर स्मार्क करता है और झुककर कुकी के लिप्स पर लिप्स ब्रश करते हुए कहता है, ओनली फॉर यू बेबी। ये कहकर तैयांग इमीडिएटली कुक को बेड पर लिटाकर उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। तैयांग जोंगकुक के लिप्स को छोड़कर उसके होल बॉडी में किस कर हिकी छोड़ने लगता है। जोंगकुक के शरीर में अब एक भी क्लोथ नहीं बचा था। तैयांग ड्रंकन स्माइल शो करता है और फिर जोंगकुक के चेस्ट एरिया में किस करते हुए धीरे धीरे उसके चेरीज के तरफ आ जाता है। तैयांग पहले इसे अपने टंग से लिक करता है, उसके बाद एक लिटिल बेबी के तरह उस चीज़ को अपने लिप्स से पकड़कर सक करते हुए कराने लगता है और दूसरे हाथ से जोंगकुक के उस पार्ट को मसाज कर रहा था। जोंगकुक बात नहीं कर सकता, वो बस बेबस होकर मुँह से अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था और इस बार तैयांग इस आवाज़ से इरिटेट भी नहीं हो रहा था। तैयांग इसे इंजॉय कर अपने बॉडी से जोंगकुक के बॉडी पेट के अगेंस्ट प्रेस कर देता है। तैयांग डीप वॉइस में कहता है, मॉर्न फॉर मी बेबी, यू आर स्टिल शाई अराउंड मी बेबी, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तुम इसी तरह शर्माने लगते हो। जोंगकुक तैयांग के शोल्डर पर टैप कर उसे रुकने के लिए कहता है। तैयांग
एक हाथ से जोंगकुक के दोनों हाथ कसकर पकड़कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर पिन कर दिया और दूसरे हाथ जोंगकुक के स्टोमक के ऊपर से स्लाइड करते हुए उसका सर्टेन पार्ट तक लाकर थोड़ी देर के लिए पॉज होकर जोंगकुक के हार्ट चीज को देखकर इविली स्मार्क करते हुए कहता है, यू आर ऑलरेडी हार्ट फॉर मी बेबी तयंग। अब एक हाथ से इस स्पेशल चीज को कंटिन्यूअसली रैप कर रहा था और उसके चेस्ट एरिया और कॉलर बोन को सक कर मौन कर रहा था। जोंगकुक के बॉडी इतना गर्म और एक्टिव हो गया था। उसने 30 मिनट के अंदर तयंग के हाथ में वो सब कुछ रिलीज कर दिया था। जोंगकुक लाउडली मौन करने लगता है। तयंग अपने हाथ के तरफ देखता है, उसके बाद इसे प्लेफुली लीक करने लगता है। तयंग कहता है, गुड। तयंग झुककर अपने पैंट और बॉक्सर को रिमूव कर खुद को उसके अंदर शामिल करने से पहले कहता है, होल्ड मी टाइट बेबी ओके। ये कहकर तयंग खुद को उसके ऊपर लेकर आता है। तयंग पहले स्लोली स्लोली खुद को उसमें इंसर्ट करता है, उसके बाद एक ही पुश में उसके अंदर खुद को शामिल कर देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।